गुड मॉर्निंग क्लास, डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड योर चैप्टर नेम इज मेल मैनेजमेंट एमएस वर्ड 2010। ओके, तो आज हम इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आप लोग जरा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टॉपिक है वो है मेल मर्ज। तो डियर स्टूडेंट, मेल मर्ज के बारे में मैं आपको बता दूं, मेल मर्ज एक ऐसी प्रोसेस होती है एमएस वर्ड में, जिसकी हेल्प से यानी कि जिसकी मदद से हम लोग कोई भी लेटर, कोई एनवेलप, ठीक है, या कोई नोटिस या किसी प्रकार की कोई ग्रीटिंग्स एक ही टाइम समय में, मतलब एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब, जैसे अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 1000 से ज़्यादा कस्टमर हैं या 1000 नहीं है, उससे अधिक लोग हैं, अब कोई मैसेज ऐसा है कि आप ये चाहते हैं कि ये मैसेज एक ही समय में 1000 या उससे अधिक जितने भी लोग हैं उनके सबके पास में सेंड हो जाए। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है, जैसे आप लोग वोडाफोन या जियो यूजर चलाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे होली है या दीपावली है, इस समय आपको मैसेज मिलते हैं, वो लोग ग्रीटिंग्स देते हैं, जैसे शुभकामनाएं देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली सभी को मैसेज करते हैं। उनका क्या होता है कि ये सब लोग मेल मर्ज की जो प्रोसेस होती है इसको यूज़ करते हैं, और मेल मर्ज की प्रोसेस के माध्यम से ही लाखों करोड़ों लोगों तक एक ही समय में वो मैसेज सेंड कर दिया जाता है। तो मेल मर्ज प्रोसेस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, और इसकी मदद से आप अपना घंटों का काम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपकी बुक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक मेल मर्ज। मेल मर्ज इज ए टूल विच अलाउज यू टू क्रिएट फॉर्म्स, मेलिंग्स, लेबल्स एंड एनवेलप्स बाय लिंकिंग ए मेन डॉक्यूमेंट टू ए डाटा सोर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लिस्ट ऑफ डाटा विद द टेम्पलेट्स। कह रहे हैं कि आप इसमें फॉर्म्स, ठीक है, मेलिंग लेबल्स जैसे कि जो ऊपर लिखे होते हैं लेबल वगैरह, या एनवेलप, ठीक है, ग्रीटिंग्स कार्ड वगैरह के जो एनवेलप्स होते हैं वो, इन सारे चीज़ों को या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप एक ही समय में इस प्रोसेस के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। ओपनिंग मेल मर्ज, ओपनिंग मेल मर्ज मतलब आप किस प्रकार से खोलेंगे। टू ओपन मेल मर्ज फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स का फॉलो करना है आपको। फर्स्ट क्या है, ओपन द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द लेटर। आपको उस डॉक्यूमेंट को खोलना है जो लेटर, जिसमें लेटर हो। द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटर शुड नॉट चेंज फ्रॉम लेटर टू लेटर। इसकी इंफॉर्मेशन लेटर टू लेटर में ही होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, क्लिक ऑन मेलिंग टैब। आपको वहाँ पर एक मेलिंग टैब दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। थर्ड में क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज। और जैसे ही आप उस मेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल कर आएगा, उसमें लिखा होगा स्टार्ट मेल मर्ज, आप उसको सिलेक्ट करें। आफ्टर डैट क्लिक ऑन लेटर्स। फिर आपको लेटर्स चूज करना है उसके ऑप्शन में से। अगर आप लेटर सेंड करना चाह रहे हैं तो लेटर चूज कीजिए, अदरवाइज कोई और डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मिंग एंड सेविंग रिसिपिएंट लिस्ट। अब इसमें होता क्या है कि आपने सिलेक्ट तो कर लिया कि आपको लेटर सेंड करना है, लेकिन तत्पश्चात होगा ये कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक और ड्रॉप डाउन मेनू में से आप, सॉरी, एक और ऑप्शन में से आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी है कि जो कॉन्टैक्ट या फिर जो भी रिसिपियंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं उनकी एक लिस्ट आपको या तो तैयार करनी है, वहीं पर बनानी है। अगर वहां पर नहीं बना सकते हैं तो आपने पहले कभी अगर उसको बना के सेव कर लिया है, जैसे एक्सेल के डॉक्यूमेंट में आपने उसको पहले से सेव कर लिया है डाटा को, तब आप उस एक्सेल की फाइल को वहां से सिलेक्ट करेंगे। अब उसे सिलेक्ट करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा सिलेक्ट रिसिपियंट्स पे, जो कि उसमें लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे होता है एक ऑप्शन, उसमें से जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे दो ऑप्शन खुलेंगे,
सबसे पहला मतलब सॉरी तीन को लेंगे, एक तो होगा एग्जिस्टिंग लिस्ट यानी कि जो पहले से बनी हुई है, दूसरा होगा करंट लिस्ट यानी कि जिसमें आप काम कर रहे हैं यदि वो है तो, और तीसरा होगा न्यू का। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ में से सिलेक्ट करेंगे और जैसे सिलेक्ट करने के बाद में आप अगर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तब उसकी एक एक एंट्री को आप उसमें मर्ज कर देंगे। जैसे कि अगर आप उसको भेजना चाहते हैं उसके नेम से तो आप उसके नेम वाले फील्ड को ऐड कीजिए, अगर आप मेल की आईडी से भेजना चाहते हैं तो उसकी मेल आईडी को ऐड कीजिए, कॉन्टैक्ट पर भेजना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट पर भेजिए, और एड्रेस पर भेजना चाह रहे हैं तो एड्रेस पर भेज दीजिए। इस प्रकार से आप सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में लास्ट में एक ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस चीज पर क्लिक करेंगे आपका जो डाटा है वो सेंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस की मेल मर्ज की। इस प्रकार से आपकी बुक में जो आपके पास अगर बुक है तो आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा ये जो विंडो है इसमें लिखा हुआ है कि आपको किस प्रकार से कौन से ऑप्शन को ओपन करना है। ठीक है, तो ये थी प्रोसेस मेल मर्ज सेंड करने की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एडिटिंग रेसिपिएंट्स लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।